नमस्कार, स्वागत आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले भोजपुरी टॉपिक पर हमारी एक वीडियो आई थी, जिसमें हमने भोजपुरी के उन गानों की बात की थी जिनसे इंस्पायर होकर बॉलीवुड के कुछ गाने बने थे। साथ ही साथ हमने वीडियो के शुरुआत में कुछ भोजपुरी गानों की झलकियां दिखाई थी जो बॉलीवुड से कॉपी किए गए थे। उस पर हमारे बहुत से दर्शकों का ये रिक्वेस्ट आया कि भोजपुरी सिनेमा के इतिहास के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो आप सभी दर्शकों के अनुरोध पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए नजर डालते हैं भोजपुरी सिनेमा के इतिहास के ऊपर कि किस तरह भोजपुरी सिनेमा शालीनता से अश्लीलता की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, एक जमाना था जब भोजपुरी के गाने और फिल्में शालीन एवं अश्लील मुक्त हुआ करती थी। ऐसी फिल्में बनती थी जो परिवार का हर एक सदस्य एक साथ बैठकर देख सकता था। समय बीतता गया, भोजपुरी का दायरा बढ़ा, एक क्षेत्रीय भाषा के टैग से निकलकर भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। लेकिन इन सब के बीच भोजपुरी का मूल रस इससे खोता चला गया। ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भोजपुरी सिनेमा का मौजूदा दौर शायद अपना इतिहास भूल गया है। आज के भोजपुरी फिल्मकारों निर्माताओं को इस फिल्म उद्योग को खड़ा करने वाली हस्तियों के संघर्ष और लगन का पता नहीं है, या शायद फिर वे उन्हें भूल रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा से जुड़े लोगों को यह जानना चाहिए कि उन दिनों अगर नजीर हुसैन ने बिमल रॉय से भाषा बोली का समझौता कर लिया होता तो आज हम अपने भोजपुरी इतिहास की पहली फिल्म गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ी वो नहीं देख पाते। फिल्मों में भोजपुरी का आगमन यूं तो 1932 में बनी दूसरी बोलती फिल्म इंद्रसभा से हो गया था। म्यूजिकल फिल्म होने के नाते उसमें 72 गाने रखे गए थे, जिनमें से दो गाने भोजपुरी के थे। हम आज भी इस फिल्म के गीत सुरतिया दिखाई जाओ, ओ बाके छैला और ठाड़े हूँ तोरे द्वार बुला ले मोरे साजन के तौर पर सुन सकते हैं। निर्माता निर्देशक जे मदन ने फिल्म इंद्रसभा के सहारे सबसे ज्यादा गाने वाली फिल्म का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। भोजपुरी से जुड़े लोग इस रिकॉर्ड के साथ अपने आप को जोड़कर गौरवान्वित हो सकते हैं। जे मदन के सहारे फिल्मों में भोजपुरी का आगमन तो हुआ, लेकिन एक पूर्ण भोजपुरी सिनेमा के बनने का सफर 1962 में पूरा हुआ, जिसके लिए संघर्षरत व्यक्तित्व को भूलना आसान नहीं है। एक आंकड़े की तरफ ध्यान दें तो पता चलता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म से लेकर भोजपुरी सिनेमा के शुरुआत के बीच में 103 गुजराती, 59 पंजाबी, 26 असमी और 18 उड़िया फिल्में बन चुकी थी। पंजाब भी इस दिशा में 1935 से ही प्रयासरत था। बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़ भाषा में क्षेत्रीय सिनेमा पहले से ही उच्च स्थान पर पहुँचने को लालायित था। ऐसे में भोजपुरी सिनेमा के लिए क्षेत्रीय सिनेमा के तौर पर स्थापित होने की राह आसान नहीं थी। जब सिनेमा में महिला संघर्ष चल रहा था तब बनारस की बेटी जद्दन बाई ने महबूब खान की फिल्म तकदीर में अपने भोजपुरी भाषी होने के नाते एक गाना रखने को मजबूर कर दिया। तकदीर 1943 में रिलीज हुई थी। बाबू दरोगा जी, हो बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले सैया मो। यह महिलाओं द्वारा अपनी संस्कृति भाषा बोली के लिए संघर्ष के लिए याद भी किया जा सकता है। फिल्म तकदीर में प्रयोग ठुमरी ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि उनके मन में पूरी भोजपुरी फिल्म को लेकर ख्याल आया, लेकिन उनकी यह कसक अधूरी रह गई। आपको बता दें, संगीतकार जद्दन बाई मशहूर अदाकारा नरगिस की माँ हैं। अब आते हैं हिंदुस्तान की आजादी के बाद के समय पर। आजादी के बाद बदलते भारत में सिनेमा भी बदला। फिल्म शिक्षण संस्थान से लेकर फिल्म अकाइब तक बनाए गए, जिनमें जहां व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास चल रहे थे, वहीं आजाद भारत में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस ओर एक सराहनीय काम किया। यही वह दौर था जब गांधी जी सिनेमा को खराब चीज मानते थे। दिल्ली में आयोजित एक फिल्म समारोह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने संबोधन में अपने भोजपुरी भाषी होने का दायित्व निभाते हुए भोजपुरी सिनेमा की दिशा में काम करने का फिल्मकारों से आह्वान किया। राजेंद्र प्रसाद ने यह भी माना कि उन दिनों भले ही भोजपुरी साहित्यिक रूप से समृद्ध नहीं थी, लेकिन सांस्कृतिक विविधता इतनी विशाल थी जिससे पूरा देश लाभान्वित हो सकता था। उसी समारोह में बैठे भोजपुरी माटी के खाटी लाल हिंदी सिनेमा में संवाद अदायगी के पुरोधा उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटे गाजीपुर के निवासी नजीर हुसैन साहब काफी प्रभावित हुए। इसी समारोह में वो अपनी फिल्म नई दिल्ली के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार पा चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषा से प्रभावित नजीर साहब ने समारोह में राष्ट्रपति जी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब समझी हम आज से ही दिशा में प्रयत्नशील हो गई नीचा रघुआ शुभकामना करी। यही से शुरुआत होती है भोजपुरी सिनेमा की। शुरुआती भोजपुरी फिल्मों की वास्तविक नींव यही से पड़ी। नजीर साहब की अपनी अभिनय और लेखन की क्षमता के बदौलत ही फिल्मकार बिमल रॉय ने उन्हें अपना सहयोगी बनाया था। बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन के लेखक नजीर साहब ही थे। लेखन की प्रबलता तो उनकी इसी फिल्म से जानी जा सकती थी। इसी सहारे उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ीबो की पटकथा लिखी और सबसे पहले बिमल रॉय के पास गए। बिमल दा को कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने इसे हिंदी में बनाने को कहा। नजीर साहब ने अगर उस दिन अपनी कहानी के साथ बिमल दा से समझौता कर लिया होता तो भोजपुरी में बनी पहली फिल्म की तिथि शायद कोई दूसरी हो सकती थी।
थी। उनका धैर्य उनके ही एक कथन में दिखता है। उन्होंने कहा, ई फिल्मिया चाहे जहियो बनी, बाकी बनी ता भोजपुरी में। निर्माता की तलाश जारी थी। अपने सह कलाकार असीम से वह कई बार कह चुके थे, अरे असीमोआ, मर्दे केहू मिल जाये तो कैसो ही ई फिल्मिया बना ले। उन्हें मुंबई में कोई निर्माता नहीं मिल रहा था। भोजपुरी में धन आखिर कौन लगाए? जल्द ही कोयला व्यवसायी और थिएटर हॉल मालिक विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी के तौर पर उन्हें निर्माता मिल गया। आपको बता दें कि विश्वनाथ शाहबादी फिल्म नदिया के पार की अभिनेत्री साधना सिंह के ससुर हैं। फिल्म के बनने के क्रम में कई रोचक पहलू भी सामने आते हैं, जिन्हें हम अभिजीत घोष की किताब सिनेमा भोजपुरी में पढ़ सकते हैं। अगर आप भी ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज करके आप ये किताब पढ़ सकते हैं। बंबई के दादर स्थित प्रीतम होटल से पूरी फिल्म का रूप रंग खाका तैयार हुआ। नजीर साहब ने निर्देशक कुंदन शाह को बनाया, जो खुद बनारस से ताल्लुकात रखते थे। 150,000 का बजट निर्धारित हुआ, लेकिन बनते बनते यह आंकड़ा 500,000 को छू गया। लेकिन शाहबादी ने इसकी फिक्र न करते हुए फिल्म को पूरा किया। अपनी सफलता की ऊंचाई चढ़ने को बेताब इस फिल्म ने 80,00,000 का कारोबार किया। दहेज, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, सामंती विचार, शिक्षा आदि के प्रश्नों पर पर्दे पर चित्रित होती फिल्म के कलाकारों से मिलने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खत लिखा। 1 मार्च 1963 को मिलने का समय तय हुआ, लेकिन भोजपुरी सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह सपना नहीं पूरा हो पाया। 28 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही फिल्मकारों को पता चला, अगले दिन उन्होंने फिल्म का प्रदर्शन बंद रखा, जो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी। इसके बाद विदेशिया, हमार संसार, गंगा किनारे मोरा गांव रे, कब हुई गांवनवा हमार, दंगल, महुआ आदि फिल्मों के साथ भोजपुरी सिनेमा बढ़ते क्रम में आज हमारे सामने छलका थमरो जवनिया, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया आदि गीतों के जरिए अश्लीलता पेश करने पर आतुर दिखता है। क्या आज भोजपुरी सिनेमा के लिए किए गए संघर्ष को इनमें से कोई भी निर्माता निर्देशक याद रखता है? मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि ऐसे गानों की शुरुआत कहां से हुई। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि सन 2000 के आसपास यह उद्योग एकदम खत्म होने की कगार पर खड़ा था। ऐसे में 2002 में बनी फिल्म शैया हमार ने निर्माताओं और निर्देशकों को जगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस बार दुखद यह रहा कि जिस शुरुआती कंटेंट को लेकर भोजपुरी सिनेमा ने अपनी नींव रखी थी, वह अब फैशन की चाशनी में डूबकर हमारे सामने था। फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला की सफलता को देखकर भोजपुरी निर्माताओं में कुछ भी दिखा देने की होड़ सी मच गई। आपको बता दें कि फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला 30,00,000 रुपए में बनी थी और इसने 15 करोड़ का बिजनेस किया। इसी तरह मनोज तिवारी की दरोगा बाबू आई लव यू ने 4 करोड़ और बंधन टूटे ना ने 3 करोड़ का व्यवसाय किया। 2005 तक भोजपुरी तब भी ठीक था, लेकिन इसी दौरान प्राइवेट कैसेट उद्योग द्वारा लाए गए गानोवा लैजा राजा जी जैसे गानों ने इसमें 4 चांद लगाए और नतीजन 2005 के बाद से अब तक के भोजपुरी सिनेमा में चोली, चुम्मा, लहंगा, रिमोट आदि से ऊपर ही नहीं आ पा रहा है। दर्शक की दृष्टि से भी अगर देखें तो ऐसे गीत संगीत से भरी फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए कहीं न कहीं वह भी जिम्मेदार है। दर्शकों ने ही फिल्मकारों को बढ़ावा दिया है। हमें भोजपुरी सिनेमा के उन पलों को आज याद करने की जरूरत है जिसमें लोगों ने अपनी मेहनत से इस उद्योग को एक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। आज भोजपुरी सिनेमा द्वंद्व में डूबा है और इसकी संस्कृति की गहराई को समझने वाले दुख में। इन बीते 57 सालों में भोजपुरी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इन 57 सालों में भोजपुरी सिनेमा फुहड़पन का परिचायक भी बन चुका है। 20 करोड़ भोजपुरी भाषी आबादी के आगे सिनेमा की एक ही तस्वीर बना दी गई है। नतीजा कुछ अलग करने की चाहत पाल रखने वाले निर्माता रह ही नहीं गए। आज भोजपुरी सिनेमा हर साल 100 करोड़ का कारोबार कर रहा है और ये आगे बढ़ेगा भी, लेकिन यह 100 करोड़ की कमाई आखिर किस संस्कृति को बढ़ावा दे रही है? सन 2000 के दशक में भोजपुरी फिल्मों का कारोबार जब दोबारा जिंदा हुआ तो मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल जैसे कलाकारों को स्टारडम मिला। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल, श्वेता तिवारी जैसे कलाकारों को बॉलीवुड में काम करने का अवसर भी मिला और इन्होंने नाम भी कमाया। तो वहीं अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन जैसे बॉलीवुड के दिग्गजों ने भी भोजपुरी सिनेमा में काम किया। भोजपुरी के आधुनिक कर्ता धर्ता आज सीना ठोक के कहते हैं कि हमने भोजपुरी को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन उनसे कौन बताए कि दरअसल आप लोगों ने इसके स्तर को कुचल कर रख दिया। परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि हम अपने मूल तत्व को ही खो बैठे। आज साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नत कर रही है, उसमें भी परिवर्तन हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं कुचला। आज पैसा कमाने के लिए आप लोग अपनी जमीन और जमीर दोनों बेच रहे हैं, लेकिन भोजपुरी माटी के अस्तित्व पर जो ये धब्बा लगा है वो कैसे मिटेगा? इस बीच कुछ अहम सवाल भी खड़े होते हैं। क्या पैसे कमाने की चाहत में यह इंडस्ट्री चोली और दुपट्टे का साथ छोड़ेगी? क्या भोजपुरी सिनेमा अन्य भाषाई फिल्मों से सबक लेते हुए कुछ अलग और नया कर सकेगा? क्या मनोज वाजपेयी, प्रकाश झा जैसे भोजपुरी माटी के नाम इससे जुड़ेंगे? ऐसे और भी कई प्रश्न हैं जिनके बीच भोजपुरी सिनेमा शायद काफी वक्त तक जूझता रहेगा। भोजपुरी के आधुनिक कर्ताओं धर्ताओं से निवेदन है कि भोजपुरी को भोजपुरी ही रहने दें। माटी और
गोबर की भाषा ही रहने थे। इसका अति आधुनिकीकरण और अति विज्ञानीकरण न करें। इसे ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों, खेतों में काम करने वाले किसानों, ईटा गारा ढोने वाले मजदूरों और सीमा पर लड़ने वाले जवानों की भाषा ही रहने थे। यही इसके इतिहास के साथ सही न्याय होगा। तो आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं और कितने असहमत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन दर्शकों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करके भोजपुरी मसीहाओं के बंद कानों तक पहुंचाएं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोगों का प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। जिन दर्शकों को ये वीडियो ना अच्छी लगी हो, वो इसे डिसलाइक करके भोजपुरी के स्तर को गिराने वाली अंधी दौड़ में शामिल हो जाएं। इस वीडियो पर अगर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहता है तो आगे भी मैं भोजपुरी टॉपिक पर वीडियो लाता रहूंगा, जिसमें मैं पुराने दौर से लेकर नए दौर तक के भोजपुरी कलाकारों की बायोग्राफी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।